सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्बे नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका, चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। ये ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के जो मुखिया थे श्री उद्धव ठाकरे साहब ने इसीलिए ये लिया था मुद्दा, हालांकि सरकार 2.5 साल चली ये मुद्दा नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि अब होड़ लग गई है, कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, तो इसलिए उन्होंने कि अब ये सरकार जा रही है तो जो सरकार आएगी वो ये करने वाली काम है, तो उन्होंने ये काम कर दिया। मैं समझता हूँ नफरत के पुजारी हैं लोग, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देना चाहते हैं। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम क्या मतलब इसका होता है? मैंने कहा था कि उद्धव जी, या मैं फिर कहता हूं उनसे, फडणवीस साहब से और हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब से, सर बहुत जगहें खाली पड़ी हैं, जमीनें खाली पड़ी हैं, नया शहर बना दीजिए और नाम रख दीजिए, जुटाई रख दीजिए, लेकिन एक मैसेज देना है कि कोई मुस्लिम नाम यहां चलेगा नहीं। देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है, और आज 70 साल 80 साल तो हो गया देश को आजाद होकर के, इतने साल अंग्रेजों की हुकूमत रही और ये नाम रहा, लेकिन आपने आप इस नाम को निकाल करके मैसेज देना चाहते हो कि हम वोटों को पोलराइज करेंगे। अभी मैं आपको और दूसरी बात बताऊं, लूलू एक बहुत बड़ी मॉल खुली हुई है लखनऊ के अंदर, लूलू ने मॉल खोला, आपको मॉल खोला और उसके अंदर नमाज का बंदोबस्त है, नमाज का एक टाइम फिक्स होता है, अगर 1:30 बजे नमाज पढ़ना है तो 1:30 बजे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो नमाज का जो पढ़ने का तरीका है, जो ऊपर अल्लाह ने फरमाया है, वो नमाज असली नहीं होती है जो बाद में पढ़ी जाती है, तो इसलिए हर दुबई में जाएंगे, सऊदी में जाएंगे, हर मॉल में नमाज का बंदोबस्त है नमाज पढ़ने के लिए। दुबई में तो मंदिर भी है, हर जगह पूजा हो रही है, लेकिन कल से देख रहा हूं मॉल में जुमा की नमाज पढ़ेगी, उसके बाद एक होड़ मच गई है वहां पर, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, वहां पर कीर्तन पढ़ा जा रहा है और क्या जा रहा है। अरे ये मैसेज गलत जा रहा है देश के अंदर, लेकिन बनाइए ना। हाँ, लेकिन जो औरंगाबाद और वहाँ उस्मानाबाद नामकरण का जो मुद्दा है, यहाँ पर उसको मान्यता दी गई है और जो प्रस्ताव है केंद्र के पास भेजा गया है कि केंद्र सरकार में आप इस बात का विरोध करोगे। अब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हो, समाजवादी पार्टी केंद्र में भी है, क्या केंद्र में भी अखिलेश जी के साथ आपसे इस बारे में बात होकर विरोध करोगे आप? नहीं नहीं, मेरा विरोध करने फायदा क्या? मैं विरोध करूंगा लेकिन कुछ उसका होने वाला नहीं है, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अभी आप बीजेपी का तो पहले से है, उत्तर प्रदेश में कितने नाम बदल दिए, सरकार सेंटर में सरकार जो है दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, उनका तो पहले से इशू चल रहा है, अभी हमने किया हुआ तो वहां से फटाफट उनको अप्रूवल आ जाएगा, वो तो उनकी मर्जी से काम ही हो रहा है, लेकिन क्या है कि अल्पसंख्यकों के लिए ये जमीन तंग की जा रही है, और मैं कह रहा हूं कि इससे देश का नुकसान है। देश में अगरचे 20% लोगों के साथ अन्याय होगा, हर जगह यही किया जाएगा, नमाज पढ़ने की जगह पर नहीं दी जाएगी उनको, उनके मस्जिदों के सामने कीर्तन पढ़ा जाएगा, मस्जिदों के सामने चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर उतारा जाएगा, नाम बदली किए जाएंगे, मैं समझता हूँ इससे क्या ना बेचैनी पैदा होती है और लोगों में अब विश्वास खत्म हो जाता है, देश तरक्की के बदला देश जो है पीछे जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर नाम बदली करने से देश की तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है, लोगों को नौकरी मिलती है, भूख खत्म होती है, सस्ताई होती है, तो सब नाम बदल दो मुसलमान होते, लेकिन ये सिर्फ ढोंग है और जनता को बेवकूफ बनाना। मैं भारतवर्ष की जनता से कहना चाहता हूं ये बर्बादी के कगार पर देश को खड़ा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या आपके द्वारा औरंगाबाद का नाम जो बदला जा रहा है उसके साथ उस्मानाबाद का भी बदला जा रहा है, आपके द्वारा कोई मुख्यमंत्री को मिलकर, अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है, इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री है उनसे मिलकर, या जो भी आपकी समविचारी पार्टी है, फिर कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उनसे मिलकर इस बारे में इस पर कोई हल निकाला जाए, बातचीत हुई थी क्या? नहीं, मैं मेरी बातचीत तो हुई थी, उस दिन मेरी बात हुई थी अपना जो एक्स मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब से, वो तो बिल्कुल खिलाफ थे, बोले गलत हुआ ये, हम लोग शामिल थे, हमसे बात नहीं गई, हमारे लोग जो अंदर बैठे थे उनको उसका विरोध करना चाहिए था कैबिनेट में, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने इसका विरोध वहाँ नहीं किया। मैं बात तो जरूर करूँगा लेकिन बात का कोई हल नहीं निकला, मुझे मालूम है कि मेरी सारी बातें या जो लोग भी हैं जो उनकी बातें पूरी की पूरी नष्ट हो जाएंगी। अगर कांग्रेस और एनसीपी आज विरोध भी करती है तो हम पूछेंगे उनसे कि जिस दिन उद्धव जी ने लाया था कैबिनेट में आपने उस दिन क्यों नहीं विरोध किया? आप विरोध करने का आप घड़ेली आंसू बहाने का मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं होता इसका।